आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आज अपने नंबर सिस्टम के आखिरी चरण पे, मतलब आज हम अपने नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट पे हैं। आज अब आप लोग सभी लोगों को नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस करा के अगले चैप्टर पे हम जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, हमारे बोर्ड पे नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन लिखा गया है। अभी तक हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्या क्वेश्चन लिखा गया है? 207 गुणे 721 गुणे 39 गुणे 94 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात क्या है? क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। बहुत सरल है, आप लोग ध्यान देना। कैसे इसका हल हमने बताया था? पहले इसका हल हमने बताया था क्या, कि जब ऐसी संख्या लिखी हो उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल को लिखा हो उसमें से इकाई का अंक ज्ञात करना, तो क्या करेंगे? जो संख्या लिखी होंगी उसमें इकाई का अंक जो होगा, जैसे ये जो मार्क कर रहे हैं इकाई का अंक है इसका, इन संख्याओं के इकाई के अंक है, इनको क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। 7 गुणे 1 गुणे 9 और गुणे 4। हमने क्या बताया था कि इन संख्याओं के जो ये संख्याएं लिखी गई हैं उनके इकाई के अंक को आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करते समय ये ध्यान देंगे कि दहाई का अंक आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहां देखिएगा आप, जैसे हम 9 को गुणा करेंगे 4 के साथ में तो ये कितना होगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। लेकिन हमें यहाँ 3 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? इकाई के अंक से। इकाई के अंक कितना है? 6। जब हम 6 को गुणा करेंगे 1 के साथ में गुणा करेंगे तो ये 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब हम इस 6 को गुणा करेंगे जब इस 7 के साथ में, कितने? 7 के साथ में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। 42 हो जाएगा। अब 42 में इकाई का अंक क्या है? 2। यही 2 क्या है? हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक पूछा गया था, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 2 है। क्या है? 2 है। आप लोग समझे, या इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, दूसरे भी देख लीजिएगा क्या है डायरेक्ट करने के लिए, बिना एकदम छोटा सा ट्रिक के लिए, ऐसे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को भी आप देख के, ऐसे क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन को भी देख के आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, 4 को हम 9 के साथ गुणा करेंगे कितना जगह? 36। 36 में 3 छोड़ देना क्योंकि दहाई के स्थान पर है, हमें 6 से मतलब है। 6 को लेकर 1 के साथ गुणा करेंगे कितना? 6। और हम 6 को जब 7 के साथ गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 4 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब, तो क्या हो जाएगा? एक विधि ये भी है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देख के भी तुरंत आंसर बता सकते हैं, और एक विधि ऐसे भी है, यदि आप इतना ये नहीं करना चाहें तो आप एक विधि और कर सकते हैं, जैसे 7 गुणे 1 गुणे 9 और गुणे 4। अब ध्यान देना, 7 जो यहाँ 7 लिखा गया है ऐसे लिखे, 7 करने 7, ठीक है, और 7 को जब हम 9 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? 7 9 है 63। 63 में हम 6 को छोड़ देंगे और डायरेक्ट फिर 3 ले लेंगे, 3 को हम 4 के साथ गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 2 क्या है? 12 में जब 12 आएगा तो उसमें 2 इकाई के स्थान पे आएगा, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए? आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोगों ने देखा कि इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसमें डायरेक्ट ये दे दिया, क्या दिया गया था कि जिसे लिखा था कि ऐसे गुण संख्याएं लिखी गई थी उसको आपस में गुणा करके दे दिया गया था, उसमें से पूछ लिया गया था कि मतलब इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वैसे ना देखे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, पेपर जो बनाते हैं उसमें भी घुमाने वाले लोग होते हैं, तो घुमाने के लिए आपको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, जबकि ये भी एकदम सरल है। क्या है? एकदम सरल है, इसको बिना पेपर और पेन के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट आप देखिएगा ये कैसे घुमा रहा है। क्या कहा है? यदि 962 को 307 से गुणा करें और फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें तो अंतिम गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? आप इसका जो मेथड है आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं विधि, लेकिन आप लोग भी अपनी अपनी विधि जो दिमाग में होगा उसको जो करेंगे तो देखिएगा, बताइएगा कैसे होगा। देखिए, इसको करने के लिए 2 मेथड है, ठीक है, इसको करने के लिए 2 मेथड है, या आप लोग देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से करेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। देखिए, जैसे क्या कहा है, 962 को 307 से गुणा करें और फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें, मतलब और इकाई का अंक याद करें, तो इसको ऐसा ना करके, जैसे देखिए यहाँ 962 है, यहाँ 307 है, बहुत से लोग क्या करेंगे इसमें इन दोनों को गुणा करेंगे, उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उसके गुणनफल को 103 से गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए कैसे क्या करना है इसमें। देखिए, जैसे 962 लिखा गया है, 962 गुणे 307 इन दोनों को गुणा करना है,
और इन दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणनफल मतलब इन दोनों का जो गुणा करने का जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसमें भी क्या करना है, गुणा ही करना है हमको। क्या करना है? गुणा ही करना है। किससे? 103 से। अब आप लोग देखेंगे कि ये एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन लिखा गया जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा गया था, ठीक है। अब इसको आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, यहाँ 7 और यहाँ 3, ठीक है। इन दोनों इन अंकों को लेके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और जो दहाई का अंक आएगा उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 321। 21, 21 में हमें क्या करना है, 21 में दहाई का स्थान हमें छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से एक को हम दो के साथ गुणा कर देंगे, इसके दो के साथ जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो, दो आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या है, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक दो है। क्या है? दो है। ये आंसर है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बहुत आसानी से, बहुत सरल विधि से इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन दिया रहता था उसमें से हमें इकाई का अंक ज्ञात करना रहता था, लेकिन अब देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में, कभी कभी ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि इकाई का अंक दे देते हैं और बी से कोई अंक मिस कर देते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 549 इंटू 82 और यहाँ पर हैच लिखा गया है इंटू 844 का इकाई का अंक दो हो तो हैच के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया है। जो यहाँ हैच है उसके स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप लोगों को बहुत सरल विधि से हल करना है। देखिएगा जैसे अभी पिछली बार क्या किया गया था हम लोगों ने, जैसे कहता है ये क्या कि इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इकाई के स्थान पर जो अंक लिखे गए हैं उसको हमें आपस में गुणा करना है। गुणा करने के लिए सारी चीजें सेम रहेगी, आप लोग ध्यान देना क्या करना है। जैसे 9 गुणे 6 गुणे हैशटैग गुणे 4, इसमें इकाई का अंक क्या दिया गया है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है। अब ध्यान देना, हम ये जिसको गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, ये दोनों 9 6 54, ठीक है। 54 में हम क्या, ये 54 आ जाएगा, 54 में क्या लिखना है, सिर्फ 4 लिखना है, 5 को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि दहाई के स्थान पे आ रहा है। गुणे हैशटैग लगा लेंगे और गुणे 4 कर लेंगे। इसमें भी इकाई का अंक क्या है, इसमें भी इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 ही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ 4 को 4 के साथ में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 इंटू हैशटैग, ठीक है। इसमें भी क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है क्या है, इकाई का अंक इसमें भी 2 है, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, अब 6 की जगह हम यहाँ 6 इकाई का अंक है तो 6 को हम ले लेंगे, ठीक है, और इंटू हैशटैग लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है इसमें भी 2 है। अब आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, आप लोगों को यहाँ एक ऐसे ऐसे अंक लाना है, ऐसे अंक से 6 को गुणा करना है कि इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक आ जाए हमारा 2 आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि हमारे इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो ऐसे संख्या से हमें गुणा करना है, ऐसे अंक से गुणा करना है कि जो हमारा यहाँ पर हाइस्ट रहेगा वहां पर ऐसे अंक से गुणा करना है कि हमारा इकाई का अंक आ जाए 2। अब देखिए, अब 6 को हमें 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो जो 2 आ नहीं रहा है, और हमें 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जा रहा है, तब भी हमारा इकाई का अंक नहीं आ रहा, और 6 को हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी नहीं आ रहा है, ऐसे 6 को जब हम 5 से कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे जब हम 6 को 7 से कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, 6 को जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 को जब 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाता है, 6 दूनी 12, 12 में क्या है, इकाई का अंक 2 है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो 2 है ये हमारे यहाँ पर मिसिंग है, जो यहाँ हैश था, तो हमारा जो आंसर जो होगा हैशटैग इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, हमारा हैशटैग जो है वो 2 होगा, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको हम आंसर की जांच कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम हल करें तो क्या होगा, हमारा गुणनफल ये था
नौ गुणे छः गुणे दो गुणे चार, ठीक है, नौ छक चौवन, चौवन में चार हम ले लेंगे, चार दुनिया आठ, ठीक है, आठ, आठ में हम आठ को जब चार से गुणा करेंगे तो आठ चौक बत्तीस, और बत्तीस में जो इकाई का अंक क्या है वो दो ही है, क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक दो है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अभी आप सभी लोगों ने देखा कि इकाई का अंक जब मिसिंग रहता है तो कैसे याद करते हैं, और जब सहायक संख्याएं दी रहती हैं तब कैसे याद करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करना, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए क्या बताया था हमने पीछे, आप लोगों को बताया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए जो संख्याएं लिखी होंगी उनको ऐसे क्रम में तोड़ेंगे कि वो अभाज्य हो जाए, क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए। तो इसका हल देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के पावर 10, क्या लिखा हुआ है 6 के पावर 10 और 7 के पावर 17 और इंटू 11 के पावर 27। देखिएगा यहाँ पर जो 7 है ये तो अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है जो स्वयं से कटती है या एक से कटती है, और 11 भी वही है अभाज्य संख्या, ये भी 11 भी एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, लेकिन ये जो 6 है, 6 ये 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 और गुणे 3, इसका पूरे का पावर हम क्या लिख सकते हैं 10 और इंटू गुणे 7 के पावर 17 इंटू 11 के पावर 27, ठीक है। अब इसको देखिए, 2 के पावर हम इसको 10 लिख सकते हैं, इंटू 3 के पावर 10 लिख सकते हैं, इंटू 7 के पावर 17 लिख सकते हैं, और 11 के पावर ये तो 27 है ही, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या था, जो फार्मूला था क्या था, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले पे हम रख देंगे सीधे सीधे, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 17 37 और 27 64, क्या हो जाएगा, ये आपका 64 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है 64, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है 64 है, ठीक है। ये बात सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, धन्यवाद।